वक्फा हमारा करीब है तो गुफ्तगू तो इतनी हो नहीं जी सकती, जी तो मैंने सोचा आपसे बारह अशआर क्यों ना बारह सुने जाए। ठीक जी है, मैं पेश करता हूँ। चंद अशआर जी। अब इतना बुर्दबार न बन मेरे साथ आ, वाह, मतलब है अब इतना बुर्दबार न बन मेरे साथ आ, बदलेंगे मिलके चरखे को हन मेरे साथ आ, बदलेंगे मिलके चरखे को हन मेरे साथ आ। क्या बात, और पेवंदे खाक होना है बारे अभी नहीं, पेवंदे खाक होना है बारे अभी नहीं, फैला है हुआ है नील गगन मेरे साथ आ। क्या बात है, फैला हुआ है नील गगन, और पलके बिछी हैं मेरी हर एक मौजे आब में, पलके बिछी हैं मेरी हर एक मौजे आब में, इस पालकी पे चांद किरण मेरे साथ आ, इस पालकी पे चांद किरण। और ऐ रूहे बेकरार अभी जान मुझ में है, ऐ रूहे बेकरार अभी जान मुझ में है, जख्मों से चूर चूर बदन मेरे साथ आ। क्या बात है, वाह। और ये वा, शेर वा। देखिए, वैसे भी अपने दस्ते हुनर खा रहे हैं जंग, वैसे भी अपने दस्ते हुनर खा रहे हैं जंग, फीका पड़ा है रंगे चमन मेरे साथ आ। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत, बहुत बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खूबसूरती के साथ अल्फाज का इस्तेमाल किया है। नाजरीन, एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहती है फरजाना। आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मोतबर मोहतरम शख्सियत तशरीफ़ फरमाए, इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं, मुजफ्फ़र हनफी साहब। बहुत ही बुलंद पाया शायर, अदीब, दानिश्वर, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है ऐसे शख्सियात से जब गुफ्तगू होती है, मुलाकात होती है, और आप लोगों की भी आमद है तो मैं गुफ्तगू का रुख एक बार फिर अपने मेहमान की जानिब मोड़ती हूँ। जनाब, मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि अब जो ये अदबी रोजानात हैं, अदब में नए रोजानात, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि इससे हमारे अदब की मजमूई फ़ज़ा जो है वो बेहतर होगी? अच्छा, हर दौर में ऐसा हुआ, इस्लाही तहरीक हाल ही ने जो चलाई उस दौर में, तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में, फिर जदीदियत का दौर आया, आजकल माबाद जदीदियत का चक्कर जी हाँ, चल रहा है। जी हाँ। हर दौर में शेर कहने वाले और अदब तख्लीक करने वाले लातादाद होते हैं, हज़ारा लाखों बल्कि, और उस खसो खाशात में कुछ मोती और कीमती चीज़ें भी होती हैं। खसो खाशात तो हर तहरीक अपने साथ लाती, तरक्की पसंद तहरीक गुजर गई तो अब मैं दे करके चार पांच नाम जिंदा रह गए, जदीदियत से भी यही सूरत होने वाली है। तो मजमूई एतबार से मैं नहीं समझता कि हमें मायूस होना चाहिए, अदब तख्लीक हो रहा है हिंदो पाक में भी, और खुद जो बरतानिया है तीसरा बड़ा अदबी मरकज़ जो है, इससे मुझे तो इत्मीनान बख्श सूरत हाल नज़र आती है। अलबत्ता बरतानिया के बारे में जब हम गौर करते हैं कि साहब ये तीसरा बड़ा अदबी मरकज़ है, तो उसके साथ ये पहलू भी पेश नज़र रखना चाहिए कि ये अदबी मरकज़ जो लोग हाल ही में या अब से 50 साल पेशतर तक जो लोग बरतानिया हैं, वही लोग उर्दू में शेर व अदब तख्लीक कर रहे हैं। नई नस्ल के बारे में हमें बहुत ही निगरान रहना होगा और कॉन्शियस रहना होगा कि नई नस्ल भी उर्दू पढ़े, वरना एक नस्ल के बाद फिर कौन शेर कहेगा और कौन शेर पढ़ेगा और कौन अदब तख्लीक करेगा। क्योंकि मैं अपने अहबाब के और अपने अज्जा के घरों में जब बरतानिया में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे उर्दू समझ तो लेते हैं उनके, लेकिन जवाब वो हमेशा अंग्रेजी में देते हैं। इसका मतलब ये कि वो उर्दू लिखना या उर्दू बोलना नहीं जानते, सिर्फ समझ रहे हैं। कुछ दिन के बाद अगली नस्ल जो आएगी वो समझना भी छोड़ देगी, तो कैसे फिर ये तीसरा बड़ा अदबी मरकज कायम रहेगा? अदब के हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में दर आता है कि अच्छा अदब और बड़ा अदब, इनमें क्या फ़र्क है? किसी भी जबान में अजीम शुरा या अजीम अफसाना निगार या अजीम नावलिस्ट दर्जनों की तादाद में हरगिज नहीं होते, सदियों में कहीं एक आध अजीम शायर या अजीम अफसाना निगार। जब ये अल्लामा फरमा गए थे कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, अल्लामा खुद हमारे तीन अजीम मर्तबा शुरा में शामिल हैं। पहला मीर तकी मीर हमारे यहाँ अजीम शायर, उसके बाद गालिब अजीम शायर, फिर इकबाल अजीम शायर, बाकी दूसरे शुरा जो हैं वो अहम हो सकते हैं, तारीख एतबार से उनका मकाम अहमियत का हामिल हो सकता है, लेकिन अजीम शख्सियात तो, क्योंकि उर्दू जबान
की उम्र ही अभी 300-400 साल बिल्कुल बिल्कुल उसमें दर्जनों की तादाद, और जब हम अजीमों की तादाद सैकड़ों में पहुंचा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम जानते ही नहीं कि अजीम क्या चीज़ है। शऊर और लाशऊर को बेदार करने के लिए आप क्या समझते हैं कि अदब से वाकफियत जरूरी है? हाँ, बहुत बहुत जरूरी है कि हर अदब जो है वो अपने मुआशरे का और अपने आयत का आईना दार होता है। अगर हम जबान का यूँ समझ लीजिए कि क्रीम अदब है। यहाँ बरतानवी माशरे में मैं देखती हूँ, रास्ते में आते जाते सफ़र करते भी कोई ना कोई शख्स किताब या अखबार पढ़ रहा है, ट्यूब में, ट्रेन में, आते जाते लंच ब्रेक्स वगैरह में। हालांकि ये लोग तो बहुत ज़्यादा आगे हैं टेक्नोलॉजी में भी, और प्रिंट मीडिया इनका कहते हैं कि कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद मुझे लोग नज़र आते हैं पढ़ते हुए। तो हमारे माशरे में, खासकर मैं इंडिया की सूरत हाल जानना चाहूँगी कि इंडिया में किताब की क्या अहमियत है? मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगहों पे सूरत हाल कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। मैं पाकिस्तान मुख्तलिफ अभी पिछले दिनों आलम मुशायरे में सदारत मैंने की, उसके अलावा मैं जाता रहता हूँ वहाँ, और वहाँ के रिसालों में हिंदुस्तान के मुकाबले में ज़्यादा शायद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अदबी सूरत हाल किताबों का जहाँ तक ताल्लुक़ है वैसी है। पाकिस्तान में भी 500 का एडिशन कई अरसे के बाद निकलता है, हिंदुस्तान में भी सूरत हाल है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी, आमतौर पर यह तस्वीर कर लिया गया है कि हिंदुस्तान में उर्दू मर रही है, हर चीज़ ऐसा नहीं है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में अलबत्ता उर्दू ज़रा सा कमज़ोर है, क्योंकि वो वहीं से जन्मी थी, इसलिए लोग तवक्को रखते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा तरक्की करेगी, वहाँ बहुत ख़राब सूरत हाल है। लेकिन मगरबी बंगाल में कस्बे कस्बे और देहात देहात में उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं, और जो हाईएस्ट पोस्ट हैं IAS ऑफिसर्स, स्टेट सिविल सर्विसेज में उर्दू स्ट्रीम से हर साल 10-12-15 कैंडिडेट्स जो हैं उर्दू स्ट्रीम से। यही हालत महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, आपके कर्नाटक में है, बिहार में है। बहुत बहुत ख़राब सूरत हाल नहीं है, और आबादी चूँकि आज़ादी के वक्त के मुकाबले में अब तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा हो गई है, इसलिए उस वक्त जितने उर्दू बोलने वाले थे 1947 में पूरे गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, उससे तकरीबन 2 गुना ज्यादा अब भी उर्दू बोलने और लिखने और पढ़ने वाले। तो बड़ी मुस्बत सूरत हाल आपने बताई, वरना हमें तो बहुत मनफी तासरात और मनफी तादाद पता चल रही है। और अब मैं गुजारिश करूंगी जनाब हनफी साहब के अपने कुछ चुनिंदा अशआर हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिए। जी, आगाज करता हूँ उस गजल से जिसका एक मतलब आपने बतौर तारुफ पहले सुनाया था कि उछल पड़ता है साया और मुझको डर नहीं लगता, कोई आसेब हो इंसान से बढ़कर नहीं लगता। इसमें शेर देखिए कि हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, हजारों मुश्किलें हैं दोस्तों से दूर रहने में, मगर एक फायदा है पीठ पर खंजर नहीं लगता। क्या बात है, वाह वाह, मगर एक फायदा है पीठ पर खंजर नहीं लगता। और एक शेर इसका और लायक लायक है, शुनीद है, खास किया है कि कहीं कच्चे फलों को, हमारे मुआशरे का आम अलमिया है, अलामती अंदाज में आस करता हूँ कि कहीं कच्चे फलों को संगबारी तोड़ देती है, कहीं कच्चे फलों को संगबारी तोड़ देती है, कहीं फल सूख जाते हैं कोई पत्थर नहीं लगता। वाह वाह वाह, क्या बात, कहीं फल सूख जाते हैं कोई पत्थर नहीं लगता। और अर्ज किया है कि सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, सैलाबों को शह देने में, तूफान को उकसाने में, कितने हाथों की साजिश है एक दीवार गिराने में। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितने हाथों की साजिश है, बहुत उम्दा, एक दीवार गिराने में। और वो शेर जिसके लिए गजल कही थी, ये अर्ज किया है कि बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया, बुझते बुझते भी जालिम ने अपना सर झुकने न दिया, फूल गई है सांस हवा की एक चिराग बुझाने, क्या बात है, वाह वाह, फूल गई है सांस हवा की एक चिराग बुझाने, क्या बात। और देखिए कहा है कि वो मेरे हाल पे कुछ मेहरबान ज्यादा है, वो मेरे हाल पर कुछ मेहरबान ज्यादा है, इसीलिए तो हवा कम धुआं ज्यादा है। वाह 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 वाह, बहुत मेरे हाल पर कुछ मेहरबान ज्यादा है, इसीलिए तो हवा कम धुआं ज्यादा है। और सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, सितम रसीदा है हिंदुस्तान में उर्दू, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा है। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया, इसी जबान में हिंदुस्तान ज्यादा है। और दो शेर और
पेश करता हूँ, फिर आपसे कुछ सुनना है ना। एक जी वो ये है कि वफा के नाम पे मरना तो हम भी जानते हैं, वफा के नाम पे मरना तो हम भी जानते हैं, हमारे मसले क्या मोहतरम भी जानते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, हमारे मसले क्या मोहतरम भी जानते हैं। और ये शेर देखिए, और कहाँ रहकर कहे गए हैं वो मलहूज रखिएगा तो ज्यादा मदद देगा। शेर यह है कि अदालतें अगर उनको मुआफ भी कर दें, अदालतें अगर उनको मुआफ भी कर दें तो उनके नाम हम अहले कलम भी जानते हैं। क्या बात है, वाह। अदालतें अगर उनको मुआफ भी कर दें तो उनके नाम हम अहले कलम भी जानते हैं। नैना साहिबा, मैं जानता हूँ आप एक अच्छी शायरा भी हैं, गजल तो आपने सुनाई लेकिन नज्म से महरूम रखा है आपने, आप एक नज्म भी इनायत फरमाएं। जनाब तो अब आपका हुक्म है, और हमारी एक छोटी सी कॉलर की फरमाइश भी थी। अच्छा। इकरा और मनाहिल, ये नज़्म मैं खास तौर से आपको भी सुनाती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो। कि आज का दिन भी फीका फीका, आज का दिन भी फीका, आज का दिन भी फीका फीका, खिड़की से छुप कर तकता है, मैं हारी या वो है जीता। वाह वाह। आज का दिन भी फीका फीका, खिड़की से छुप कर तकता है, मैं हारी या वो है जीता। रोज का ही मामूल है ये तो, कल भी बीता आज भी बीता, रोज का ही मामूल है ये तो, कल भी बीता आज भी बीता, कल भी बीता आज भी बीता, चूल्हा चौका झाड़ू पोंछा, सब कुछ कर बैठी तब सोचा, चूल्हा चौका झाड़ू पोंछा, सब कुछ कर बैठी तब सोचा, तब सोचा, जाने कहाँ पर दिल है रखा। बस एक छोटी सी नज़्म। तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल अपने इख्तितामी लम्हात पर है। नाज़रीन, आपकी खातिर मैं चाहूँगी कि अपने मेहमान शख्सियत से एक छोटा सा पैगाम ले लूँ जो वो आपको देना चाहेंगे। जनाब, मैं उस हैसियत पर फायज नहीं हूँ जहाँ पैगाम दिए जाते हैं। मैं अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, नौजवानों से दरख्वास्त कर सकता हूँ, तवक्कु कर सकता हूँ कि ये दुनिया जो नफ़रत की भट्टी में सुलग रही है और चारों तरफ जिस तरह से कत्ल ग़ारत गरी के कबादार गर्म है, इसमें बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम अमन व आश्ती का परचम घर घर में बुलंद करें, हर घर से मोहब्बत के नाम पर एक शमा रोशन होनी चाहिए ताकि इस तारीख में रास्ता साफ नज़र आ सके। क्या खूबसूरत बात कही आपने, माशाल्लाह। के जुल्मत की मजम्मत में मुजफ्फर ने कहे शेर, जुल्मत की मजम्मत में मुजफ्फर ने कहे शेर, फिर तीर अंधेरों पे जलाने लगे जुगनू। वाह क्या बात है। फिर तीर अंधेरों पे जलाने लगे जुगनू। और एक मतलब भी सुन ले, जरूर जुगनू ही के ताल्लुक से है वो भी, के आ गया मैं किसी जुगनू की नजर में कैसे। वाह। आ गया मैं किसी जुगनू की नज़र में कैसे, बूंद भर नर्म उजाला मेरे घर में कैसे। वाह वाह वाह। बूंद भर नर्म उजाला मेरे घर में कैसे। और जुगनू की बात चल रही है तो सुनिए कि तितली शगुफे जुगनू सितारे। वाह। तितली शगुफे जुगनू सितारे, सब तेरी पहचान, लब्बैक लब्बैक तूफान तूफान। क्या बात। लब्बैक लब्बैक तूफान तूफान। नैना साहिबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, आपकी नवाजिश, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को दिया। फरजाना अब आपसे रुख्सत लेती है, आप तमाम की शमूलियत का बेइंतहा शुक्रिया हमारे मौजूद मेहमान की नवाजिश तशरीफ़ आबरी के लिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और ईमेल्स करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। शब्बा।